हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूँ अंशित। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और दिवाली की सफाइयाँ जोर शोर से चल रही हैं, आप सभी को पता है, और आप लोग भी लगे होंगे दिवाली की सफाइयों में। और मेरा भी अभी तक जो वॉशिंग वाला काम रह गया है ना, वो खाली पेंडिंग रह गया है मैंने। और आज मैं पूरे घर की, एक रूम तो हो चुका है वेदांत और गौरी वाला, बाकी पूरे घर की धुलाई करूँगी। जितने भी वॉल्स हैं ना, उन सबको क्लीन करूँगी, सारी फोर सीलिंग्स को, सारी वॉल्स को क्लीन करूँगी। और जितना भी अपना फ्लोर है उसको पूरा क्लीन करूँगी। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे दूँगी ताकि आप लोग के भी काम आए, और देखना आप लोग मैं किस तरीके से सफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लेके आती हूँ अपना पूरा क्लीनिंग का किट, उसके बाद मैं शुरू करूँगी काम, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे वापस। और हाँ, अपना जो रूम है ना, उसका व्यू मैं दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। अभी सामने जो है ना विंडो पे मैंने लगा रखा है, एक बेडशीट बिछा रखी है। यहाँ पे कर्टन था वो हटा दिया, पूरा वॉश हो गया है, कल सारे कर्टन वॉश कर दिए थे मैंने। और ये अपना रूम है, यहाँ पे ये वॉल्स, ये वाली तो जो बेड आगे किया था ना तो थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था, बट बाकी ये सारी वॉल्स अभी सब गंदी हो रही हैं, इनको सबको साफ करना। बाकी ये सारी जितने भी वॉल हैंगिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, सबको निकाल के उसके बाद साफ किया जाएगा। तो फिर चलते हैं, सफाई करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम, टाइम वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि बच्चे घर पे है नहीं है, वेदांत स्कूल गया है, और आज बहुत अच्छे से सफाई होगी क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। और गौरी भी नहीं है घर के अंदर, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और गुड्डी जब आएगी तो वो मेरा हाथ बता देगी। तो मैं सोची आज जब तक वो नहीं आ रही, उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ काम। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। दो बकेट्स लीजिएगा, एक में एकदम हॉट वाटर रखिएगा और एक में थोड़ा सा हॉट प्लस कोल्ड दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। तो जो एकदम हॉट वाटर रहेगा उसके अंदर आप खाली क्या डालोगे, फिनाइल डालोगे, और सबसे लास्ट में उसको मॉप के हेल्प से आप पूरी वॉल्स को, फोर सीलिंग को आप वाइप कर सकते हो। और जो आपका हॉट कोल्ड वाला आपने हल्का सा मिक्स किया, क्योंकि आप उसमें बार बार हाथ डालोगे तो आपका हाथ इतना जल रहा है, तो इसलिए सेफ्टी के पॉइंट से उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिक्स कर लेना। और उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे ये विम लिक्विड, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर सर्फ, ठीक है, और ये डालेंगे शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू आप ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस के साथ आप इंजॉय करोगे आपकी वॉशिंग। और आप इस तरीके से एक ब्रश ले सकते हो जिससे आप क्लीन कर सकते हो आपके सरफेस को, आपकी वॉल्स को, और कोई भी कपड़ा ले लो जो आपके पास अवेलेबल हो। अभी तो दिवाली के टाइम पर वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती है वेस्टेज, जो आपको ईजिली मिल जाएगा कपड़ा। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बकेट्स, ये हमने एक लिए ठंडे और गर्म पानी की, और ये एकदम हॉट वाटर है, और वहाँ पे मेरा मॉप है और ब्रूम है जिसकी हेल्प से मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम करते हैं अपना काम शुरू। तो चलो फिर करते हैं। आप लोगों को काम के साथ साथ इंजॉयमेंट करना है ना, तो मेरे जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, गाने चला सकते हो, और गाने सुनते सुनते आप काम कर सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बोरियत भी नहीं होगी, और आप इन्जॉय करते जाओगे। तो मैं चलाती हूँ गाने, तब तक यू विल इन्जॉय द टाइम फिल आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी मिक्स वाला वाटर है ना, उसके अंदर एटलीस्ट इतना आपको डिटर्जेंट डालना होगा, दो बड़ा चम्मच मान लो आपको, जैसे सब्जी में डालते हैं। और ये विम, ये तो मैं जितना भी काम करती हूँ ना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। और ये आप आइडिया से डाल सकते हो आपके, ये डाल दिया, और मुझे ना ऐसी कुछ भी बहुत लगती है। और ये आ गया अपना शैम्पू, तो शैम्पू आप सिर की बजाय आज इसमें डाल के देखना कैसा रहेगा आपका, है ना। और फिर इसको आप इस तरीके से मिक्स कर लेना। तो ये हो गया आपका पानी एकदम रेडी वॉश करने के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बच गई मैं एक्चुअली में,
मैं यहाँ पे क्या वाइट सीमेंट लग रही थी, होल था, तो मैं नीचे उतरी बस इस स्टूल से और मेरा पाँव बहुत तेज फिसल गया और यहाँ पे पूरा पानी गिर चुका है। चश्मा अलग जाके गिर गया था, सर के बल गिर गई थी, तो शुक्र है ज़्यादा कुछ लगा नहीं, बस 2 सेकंड के लिए चक्कर आए थे, बट अब बेटर लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ वापस से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर घर में छोटे छोटे होल्स वगैरह हों तो आप वाइट सीमेंट से उसको फिल कर सकते हो। तो मेरे पास भी वाइट सीमेंट ले लिए, मैंने इसको घोल लिया है पानी से, अब इस यहाँ पे हल्के हल्के छेद है इस यहाँ पे थे, तो मैंने उसको फिल कर दिया और यहाँ पे है अभी वो मैं करती हूँ। तो कोई नहीं, चोट ज़्यादा नहीं लगी, मेरे बेटर लग रहा है मेरे को पहले से, तो तब भी मैं कर रही हूँ। यहाँ पूरी गीली हो चुकी हूँ मैं, ये सारे कपड़े मेरे गीले हो गए हैं यहाँ पे, इनको चेंज करना पड़ेगा पहले मुझे, उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। सर पे लग गए यार बहुत तेज़ से और नाक पे भी लग गए हैं, अभी तो दिमाग घूम ही रहा है मेरा, तो मैं एक बार चेंज करती हूँ, थोड़ा सा लेटती हूँ, उसके बाद वापस काम पे लगती हूँ। तो यहाँ आयोडेक्स सर पे लगा लिया मैंने, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा, चाय भी पी थी और गुड्डी भी आ गई है अब, और गुड्डी यहाँ पे करवाई है मेरी हेल्प, अभी वहाँ थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया था तो वो गुड्डी कंप्लीट करी है, नीचे पोछा लगा देगी, उसके बाद हम दूसरा वाला रूम करेंगे। और अभी सर हल्का हल्का पहले तो अब पहले से बेटर लग रहा है, तो अब करते हैं काम, बहुत हो गया। अब दिवाली की सफाइयों में ऐसे चलता रहता है, कभी स्लिप होते हैं कभी कुछ होता है, तो कोई नहीं चलता है इतना तो। और हम लोग वापस काम पे लग गए हैं, और यहाँ जो ये जितने भी होल्स है ना वहाँ पे अभी गुड्डी ऊपर चढ़ी है, क्योंकि मेरे चोट लग गई थी, तो गुड्डी अब करेगी ऊपर का पूरा साफ। और यहाँ पे सारे इसने जितने भी गड्ढे थे सबको भर दिया है सीमेंट से, उसके बाद इसको अभी अपन क्लीन करेंगे, और ये टीवी ढक दिया है ताकि ये गंदा ना हो, और यहाँ से अभी ये हटाएंगे, बाहर रखेंगे इसको। और ये रूम की हालत ऐसी हो रही है, इसको सारा सेटअप करना पड़ेगा वापस से, तो सारा सामान मैं बाहर निकालने वाली हूँ, सिर्फ बेड रहेगा और म्यूज़िक सिस्टम बाहर निकाल दूँगी, और फिर हम करेंगे कमरे की धुलाई वापस से स्टार्ट। चुका है और 2 रूम हो चुके हैं, सुबह 10:30 से अपने 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, मेरे चोट लग गई थी उसकी वजह से, और अब मैं आई हूँ किचन में। आज मैंने ठान ही लिए कि मैं पूरा ये 2 डाइनिंग हॉल और मेरा हॉल बच गया है बस, और एक किचन, इसको करके ही रहना है, तो हार्डली 1.5 से 2 घंटे और लगेगा। और गुड्डी एक्चुअली अभी दूसरी जगह गई है काम करने को, आ जाएगी तो फिर 2 जने हो जाएंगे, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे चिमनी गायब है, आप लोग सोच रहे हो कहाँ चली गई है, ये जो हमारे घर में ना इतने बड़े बड़े बहुत मोटे से चूहे आते हैं, वो चिमनी की पाइप के अंदर चले गए थे, और उसकी वजह से उन्होंने चिमनी के वायर्स को काट दिया था और चिमनी स्पार्क कर गई थी, तो चिमनी रिपेयर होने के लिए गई है, तो तब तक वो आ जाए तब तक मैं यहाँ पे सारा जो वॉल्स वगैरह है वो सारी क्लीन कर देती हूँ, और चलो अब करती हूँ सफाई विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। खड़ी हूँ मैं ना किचन की स्लैब के ऊपर खड़ी हूँ, और जो न्यूज़पेपर्स आपने टाइम का देखा था ना, जो न्यूज़पेपर्स मैं रिमूव कर रही थी या फिर जो मैंने पेपर लगाया हुआ था उसको रिमूव कर रही थी, वो मैंने मतलब जब मैं सफाई करती हूँ ना तब लगाती हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग के घर पे भी, आप लोग के किचन में भी चिमनी है, तो आप लोग भी इस तरीके से आपकी जो वॉल्स है उनको ऑयलिंग से, उनको जो ग्रीस सी लग जाती है ना उसे बचा सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो जहाँ मैंने ना न्यूज़पेपर लगाया हुआ था, यहाँ ये पूरा साफ है, ज़रूरत ही नहीं है मुझे ज़्यादा साफ़ करने की। और जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं था, क्योंकि यहाँ चिमनी लगी हुई थी और अभी चिमनी गई हुई, तो मैं यहाँ पे भी इस बार सारा इसको सेव कर दूँगी, इसको पूरा पहले साफ़ करूँगी, तो अंतर दिख ही रहा होगा दोनों में, तो इससे ये अंतर आता है। और यहाँ पे चिमनी थी और यहाँ चिमनी नहीं थी, तो सरफेस के अंदर काफ़ी सारा चेंजेस देख रहे होंगे। तो ये मैं वापस से करने वाली हूँ, पेपर मंगवाऊँगी बढ़िया सा, कोई अच्छा सा टोन मैच कर जाए उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं इसको पूरा पेस्ट कर दूंगी, ताकि जो मेरी ये वॉल है एकदम सेफ रहे। और ये ना नीचे की तरफ
ये जो है अलमारी के नीचे, यहाँ पे भी मैंने पेपर लगाया हुआ था, ये देखो एकदम साफ पड़ा हुआ है। ये इसको भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की, ये भी आराम से साफ हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे खाना बनाते हैं ना तो बहुत सारी छींटे वगैरह ऑयल का, घी का, सारी चीज़ें इधर आ जाता है, चिकना हो जाता है, और उसको साफ़ करने में नानी याद आ जाती है, तो इसलिए नानी ना याद आए मुझे, वैसे तो मैं याद करती हूँ अपनी नानी को, बट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं कुछ ना कुछ पेपर लगा देती हूँ ताकि एकदम साफ रहे, बिल्कुल भी चिकना नहीं है, बिल्कुल एकदम सर्फेस क्लीन है यहाँ पर, तो ये प्लस पॉइंट होता है इसका। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, टाइम ज़रूर लगता है, बट जब आप साफ़ करते हो ना तो यहाँ पे ये जो पंगा हो रहा है ना अभी, ये वाला यहाँ पे चिमनी थी, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, और यहाँ एकदम साफ़ है, बिल्कुल भी ऑयल ऑयल नहीं है, तो ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छी ट्रिक है ये, और मैं हमेशा करती हूँ। ड्राइंग रूम बच गया, ये वाला हॉल बच गया है हम लोग का, और यहाँ पे ये गौरी हेल्प कर रही है गुड्डी आंटी की, पूरी वॉल साफ करने के लिए वॉल साफ कर रही है गुड्डी आंटी के साथ, पूरी हेल्प कर रही है वो, बोलिए मैं करूँगी। बस अभी हम लोग का लास्ट है, उसके बाद पूरा सेटअप कर देंगे और फिर पूरी दीवारें। हाय गाइस, मम्मा लोगों ने तो, मम्मा और गुड्डी आंटी ने मतलब घर को एकदम पूरा वॉल साफ कर दिया है, और अब थोड़ा सा घर एकदम नया नया सा लग रहा है, एकदम चमचमाता है नया घर। और आज मम्मा की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं उड़ती ज़्यादा खाना बनाने के लिए, तो मम्मा ने लिए, मम्मा और पापा के लिए है, उन दोनों ने अपने लिए दाल रोटी बना ली, और हम तो है ही कुछ क्रेजी लोग है, तो बर्गर हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था फ्रॉम द मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स का साइन ये मेरा है। हेलो, मैं बर्गर खा रही हूं। और रात का बज गया है 9:20, सुबह से लगे हुए हम लोग, सुबह 10 बजे से लगी थी मैं, गुड्डी आ गई थी बाद में, आज वो लेट भी आई थी क्योंकि उसके घर में कोई गेस्ट आ गया था, तो अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और शाम भी क्या रात को चपाती वगैरह कम ही खाते हैं, तो उन्होंने बोला एकदम दाल राबड़ी बना ले तू, तो हम दोनों दाल राबड़ी खा लेंगे, बच्चों का मन नहीं था दाल खाने का, तो इन दोनों ने अपना मैकडोनल्ड से ऑर्डर कर दिया था, वो आपने देख लिया था, तो अभी मैं दाल बना रही हूँ, बस बॉयल हो गई है, उसको प्रेशर कुकर के लिए बना देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेरा काम बाकी है वो मैं करके ही सोऊंगी। यहाँ पे वॉल पूरी क्लियर हो गई है, साफ हो गया है चिमनी वाली जगह पे, यहाँ पे एक पेपर है वो मैं लगाने वाली हूँ, ताकि ना चिमनी भैया जब फिटिंग करने आए तो सारा सेट रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस अब मेरा मोस्टली जो वॉल्स का काम था वॉशिंग वाला, वो सारा हो गया, ऊपर फोर सीलिंग का वॉल सारा हो गया है, गुड्डी का पूरा सपोर्ट रहा था मेरे साथ, तभी मैंने इतना हो गया, इतना सारा काम, बहुत सारा काम था बाकी, और अब हम खाली, मेरे थोड़ा सा काम बाकी और रह गया है, मैंने बोला ही था दिवाली तक तो भी काम चलता ही रहता है, लास्ट मोमेंट तक दिवाली के, दिवाली वाले दिन ऐसे ही, दिवाली वाले दिन तक काम चलता ही रहता है, तो अभी खाना बन जाए उसके बाद खाऊंगी, उसके बाद वो जो मेरे को चिमनी की साइड पे पेपर वगैरह लगाने ना वो लगाऊंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और गिर गई थी तो उसकी वजह से बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टैबलेट लेके सोनी पड़ेगी, तो होपफुली आज का जो ब्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो बताइए, दाल बन रही है मेरी, तो होपफुली आज का जो ब्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और बताइएगा आज का जो ब्लॉग था कैसा लगा, और सफाइयाँ आप लोग की भी चल ही रही होंगी और हमारी भी चल रही है, तो जब तक दिवाली नहीं आए लगे रहो और चलते रहो काम के अंदर एनर्जी के साथ, तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और यहाँ पे बच्चा पार्टी मेरी दोनों बाय करना चाहेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।